भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने मुंशी प्रेमचंद पार्क के सामने कुष्ठ आश्रम में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कुष्ठ रोगियों में फल व मिष्ठान का वितरण किया, जिसके संबंध में पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती हर वर्ष कुष्ठ रोगियों के साथ उनके परिवार के सदस्यों व उनके बच्चों के साथ मनाया जाता है। सभी कुष्ठ रोगियों को प्रधानमंत्री आवास भी दिया गया है, क्योंकि जो कार्य स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने सेवा कार्य शुरू किया था, भाजपा के कार्यकर्ताओं व संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग करते चले आ रहे हैं, जिसको देखते हुए हम लोग स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन कुष्ठ रोगियों के साथ मना रहे हैं। इस अवसर पर हरिप्रकाश मिश्र, विष्णुकांत, निखिल, वीरेंद्र शाही सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, पिताजी के समय टूट गया तो कहते थे कि जब नया बना करके लगा देने के लिए युवा के नया बना लगा बढ़ना रहे उसी में हम लोगों को बना रहे योग आयुर्वेद जैसे हमारे शास्त्रों के सामने एविडेंस बेस्ड योग आयुर्वेद ये जयंती तो आज है और मैं समझ रहा हूँ कि जब वो थे तब भी और आज नहीं है तो भी भारत रत्न यशस्वी अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, कुष्ठ रोगी मित्रों के साथ, उनके परिवारजनों के साथ, उनके बच्चों के साथ चंद्रलोक कुष्ठ आश्रम में प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं। यहाँ हमारे हरिप्रकाश मिश्र जी, विष्णुकांत जी, निखिल जी, निकेत जी और वीरेंद्र शाही जी, सभी के सभी लोग रहते हैं, तो उन लोगों के साथ मिलकर के पूरा व्यवस्था भी वो लोग देखते हैं, हमेशा वो व्यवस्था देखते हैं। यहाँ अब उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास भी मिल चुका है, तो आज ये मैं मान करके चलता हूँ कि जो काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सेवा का शुरू किया था भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ, हम सब लोग वो करते हैं और आज उसी क्रम में हम लोग यहाँ इन कुष्ठ रोगी मित्रों के साथ, बंधुओं के साथ श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मना रहे हैं।